लिया है, बढ़ चढ़ के हर एज ग्रुप ने हिस्सा लिया है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीनगर से लीड कर रहे थे इस पूरे सेलिब्रेशन को। मुझे लगता है कि रियासी के वासियों ने भी, आपको ये बता दूं कि रियासी में तो हो ही रहा है लेकिन इसके अलावा बाकी भी सब डिविजन्स में मनाया जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ ये सारे लोगों का, खासकर वो छोटे बच्चों का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का, जो आगे आए सुबह 6 बजे उठ के पहुँचे। और मैं उम्मीद करता हूँ योग को वो अपने जीवन में, अपने जीवन की कार्यशैली में एक हिस्सा बनाएंगे, जिससे कि स्वस्थ भारत, तंदुरुस्त भारत बना रहेगा। और जो हमारी सेहत है, जो माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जब देश का युवा, देश की जनता, देश के लोग स्वस्थ होंगे तो देश ऑटोमेटिकली स्वस्थ। सर, जिस तरह से आपने कल अपील करी थी कि लोगों को आने के लिए, क्या मान के चले वो अपील कामयाब रही? लोग बड़ी संख्या में आए, लोग आते रहे, योगा में पार्टिसिपेट करते रहे, और छोटे बच्चों को देख के, बड़ों को देख के मुझे बड़ा हर्ष हुआ। सर, इस कार्यक्रम में स्क्रीन भी लगाई गई थी, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को दिखाया जा रहा था, क्या कारण रहा, बारिश हो गई या? हाँ, श्रीनगर में बारिश रही, आपने देखा, वो दिखा रहे थे और चल रहा है प्रोग्राम, तो मौसम के आगे तो किसी की नहीं चलती, तो अभी भी योग चल रहा है, बाकी स्थलों पे हो रहा है, हमारा भी हो रहा है। सर, क्या मान के चला जिस तरह का आजकल की जिंदगी, बागौली जिंदगी है, तो योग करना कितना अनिवार्य, कितना जरूरी है? देखिए, आज की डेट में मैंने अक्सर लोगों को सुनते कहते ये सुना है डिप्रेशन हो गया और बड़ी ज़्यादा टेंशन है, बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस है। ये जो डिप्रेशन, ये जो स्ट्रेस, ये कुछ नहीं है, योगा करो सब भाग जाएगा, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।